गहरा षड्यंत्र और साजिश है। ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, प्रायोजित। एक निठल्ले भ्रष्टाचारी धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो गिद्धों से भी गए गुजरे निकले। पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब ये भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। अपनी असफलता छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है, शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली आज ये दिन देख रही है। ये बाढ़ के बाद की शाब्दिक सियासी गाद है जो नेताओं की जुबान से बह रही है, जिसमें बेहिसाब दुर्गंध है, जिसकी तीव्रता जल प्रलय से भी कहीं ज्यादा है, जिसके प्रवाह में मर्यादा के बांध ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की परवाह अटकती जा रही है, उन दिल्ली वालों की फिक्र भटकती जा रही है जिनकी जिंदगी पिछले 5 रोज से टकटकी पर टंगी हुई है, जिनका घर पानी में डूबा हुआ है, जो बेघर सड़क पर पड़े हुए हैं, जो अपने सियासी भाग्य विधाताओं के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये जो बारिश है और जो बारिश का फ्लो है, इसने लोगों की चिंताओं में बहुत ही ज्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए कैसे बाढ़ पीड़ित बेचारे फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर दिखाइएगा और किस तरह से अंदर सिमट आए हैं। कुछ देर पहले सामने की ओर खाना बट रहा था, वहां पर ये थे, सबके सब सिमट आए हैं और इनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। इतना सामान ला चुकी होगी, सब कुछ बह गया, सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। बाढ़ की मार से बेहाल हुए लोगों की चिंता से ज्यादा नेताओं को सत्ता को साधने वाली सियासत की फिक्र है। यही वजह है कि जब दिल्ली लापरवाही की बाढ़ में डूबी है, जब यमुना में पानी घटने के बावजूद पौश इलाकों की गलियां लबालब भरी हुई हैं, जब देश की राजधानी जल तांडव से कांप रही है, जब दिल्ली को डुबो डुबो कर मारने वालों पर सवाल उठ रहे हैं, तब दिल्ली के नीति नियंता अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, या मंत्री, विधायक और सांसद हों, सब के सब आरोपों की दीवार खड़ी कर अपनी गद्दी या कहिए कि बाढ़ के दाग से दामन बचाने में जुटे हैं। जो दिल्ली लकवाग्रस्त व्यवस्था की भेंट चढ़ी है, वहां नगर निगम से लेकर सूबे की सत्ता तक पर आम आदमी पार्टी काबिज है। सुबह सुबह केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज मीडिया के सामने आई और दिल्ली में बाढ़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। बताया कि हथनी कुंड बैराज से एक मुश्त पानी छोड़कर कैसे दिल्ली को डुबोने की साजिश रची गई। हथनी कुंड बैराज से सिर्फ और सिर्फ यमुना की ओर पानी छोड़ा जा रहा है और बाकी के सपोर्टिंग कैनाल्स जो है वो खाली पड़े, एक तो लगभग सूखा पड़ा हुआ ईस्टर्न कैनाल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सारी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस आईटीओ के पास हैं, जहां से यमुना बहती है, और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर उन्होंने रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाए। सेवा में हाथ बढ़ाने के बजाय गर्दन दबाने पे जुटे हुए हैं। दिल्ली को मुसीबत में डालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ FIR और मुकदमा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता पानी में दिल्ली को डुबोने की साजिश वाली थ्योरी के इर्द गिर्द खड़े हैं और इसके लिए वो सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के नेता भी पूरे शोध के साथ कैमरों के सामने बैठे। 2013 और 2019 में जो हथनी कुंड में पानी छोड़ा गया था, उसका पूरा हिसाब किताब समझाया और फिर दिल्ली की सरकार के सामने सवालों की लिस्ट पढ़कर सुनाई। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 8 लाख, बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। बीजेपी के नेता यमुना और नालों की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिर्फ हथनी कुंड पर साजिश रचकर दिल्ली में आपदा लाने का इल्जाम ही नहीं लगाया है, बल्कि यहां तक दावा किया कि एनडीआरएफ को भी इसी मकसद से रोका गया कि दिल्ली दलदल में डूब जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। एनडीआरएफ को लेकर 2 दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता आग बबूला हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अफसरों ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ आरोपों का प्रहार और पलटवार भर नहीं है, बेशर्मी तो ये है कि बाढ़ पर बोलते बोलते तमाम नेता एक दूसरे पर ढेरों इल्जाम भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को आपदा पर सियासत से बचने की सलाह भी दे रहे हैं, और ऐसा कमोबेश सब के सब कह रहे हैं, और इन सब के बीच पानी में निरीह सी डोलती खड़ी है दिल्ली, जो बेबस है, लाचार है, अपने सियासी सुल्तानों की लापरवाही के बाद उनकी जुबानी जंग देख रही है, सुन रही है और अपने भाग्य पर सिसक रही है।